दोस्तों अभी भाई मैं जल्दी से मैं छत पर आया हूँ तो मैंने देखा भाई सामने जो है यार किसी चीज का बच्चा जो ना बैठा हुआ कुछ दाना वगैरह खा रहा है। तो मुझे नहीं पता यार वो किस चीज का बच्चा है, कौन से वाले बर्ड्स का है। तो मैंने अभी उसको जो है यहाँ से देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार उसको जो है मैं जल्दी से ना ट्रैप करने की भाई कोशिश करते हैं। पहले जो है दोस्तों उसको जूम करके देखते हैं कि भाई वो क्या चीज है। तो वो आप देख रहे होंगे यार सामने की तरफ बिल्कुल बैठा हुआ है। तो ये आप देखें यार, ये मुझे ऐसे लग रहा है यार, ये मुझे जो है ना कबूतर का दोस्तों बच्चा लग रहा है। तो भाई मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई शायद ये या कबूतर का बच्चा है या उसके अलावा फाख्ता का होगा। तो कलर जो है ना इसका माशाल्लाह से दोस्तों बहुत प्यारा है। तो अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो यार ये उड़ जाएगा, और मेरे पास जो इसको ट्रैप करने के लिए जाल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसको जो है किस तरीके से दोस्तों इसको ट्रैप किया जाए। तो अभी आप देखें यार अंदर से जो हमारा एक और कबूतर भी दोस्तों ये आ गया है, और बाकी जो है ना वो बच्चा काफ़ी जो है ना उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यार मैं बगैर टाइम ज़ाया किए भाई अगर मैं किसी जाल का बंदोबस्त करूँगा तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यार जल्दी से भाई हम कोशिश करते कि अगर यार ये हाथ में आ जाए तो अच्छी बात है। मैं यार मोबाइल को भाई यहाँ पर रख देता हूँ। पकड़ लिया यार मैंने इसको। ये तो यार माशाल्लाह से दोस्तों कबूतर का बच्चा है, और काफी ज्यादा दोस्तों गर्मी और धूप भी हो रही है। तो यार मैं ग्लासेस लगा लेता हूँ। तो आप इसको देखें यार, ये माशाल्लाह से कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है, और इसके जो ना परों का दोस्तों कलर भी दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये आसपास से जो ना इसके ऊपर या तो किसी चीज ने अटैक वगैरह किया, कबों ने जो है इसको ना मारा है बहुत ही बुरे तरीके से। ये आप देख रहे होंगे यार ये इसके पर वगैरह ना बिल्कुल निकले हुए हैं। तो इसके जो ना बिल्कुल दोस्तों इसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा है ना किसी चीज़ ने इसको दोस्तों नुकसान पहुँचाया। तो या इसके ऊपर जो है चील वगैरह ने हमला किया, या इसके अलावा जो है ना कबों ने दोस्तों हमला किया है। तो माशाल्लाह से यार ये बिल्कुल छोटा सा दोस्तों ये बच्चा है, तो यार ये तो बिल्कुल उड़ भी नहीं सकता। तो ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि भैया हम जो इसको दोस्तों हैंड टेमेंट कर लेंगे, और अपने जो है इस तरीके से दोस्तों हम इसको हाथ पर हम बिठा के हम रखेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये हमारे पास जो ना बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मैं यार जल्दी से इसको केज में डालता हूँ, और आपको दोस्तों एक और न्यूज़ भाई देता चलूँ, बस जल्दी से यार आपको देता चलूँ कि सबसे पहले तो दोस्तों आपको वेलकम करता हूँ भाई अपने चैनल में शरीफ आदमी में। यार आज मैं अचानक से मैं आ ही रहा था अभी मैं किंग केज के पास, तो अचानक से यह हादसा हो गया, तो इस वजह से जो अभी तक मेरी आपसे जो है इतनी बातचीत नहीं हुई। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ भाई, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ यार। मैं खुशी से जो है ना मुझे अल्फाज भी यार मैं भूल रहा हूँ कि भाई मैं आपसे मैं क्या मैं बोलूँ, और गर्मी भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है। तो वेलकम टू माय चैनल शरीफ आदमी, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सज्जाद। तो दोस्तों अब मैं बताता चलूँ भाई, आज एक और खुशी की खबर है कि हमारी मुर्गी के यार पूरे जो है ना 21 दिन हो गए। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं भाई उसके पास, आज जो है यार चेक करते हैं उसको कि उसके अंडों में से बच्चे निकले या नहीं निकले। तो पहले जल्दी से भाई इसको मैं केज में रख लेता हूँ। तो चलें दोस्तों जल्दी से भाई मुर्गी के पास चलते हैं और चेक करते हैं कि यार उसके प्यारे प्यारे से दोस्तों बच्चे निकले या नहीं निकले। तो दोस्तों आपको बताता चलूं यार, अभी जो है यार मैं इस मुर्गी के अंडे ऊपर ले आया हूं अपने किंग केज के पास। तो बहुत ही दोस्तों अफसोस की खबर है कि यार इसने जो है अपने अंडे भी खराब कर दिए, और इसमें से जो है माशाल्लाह से दोस्तों तीन बच्चे निकले थे, लेकिन तीन बच्चे भी यार बिल्कुल मर गए। तो यार ये काफी ज्यादा दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये आप देखें यार, ये जो है यार बच्चे बिल्कुल मुझे लग रहा है पता नहीं इसके जो है पांव के नीचे दबने की वजह से या किस वजह से। तो दोस्तों ये आप देखें, ये दूसरा बच्चा है, और इसके अलावा दोस्तों आपको दिखाता चलूं भाई कुछ अंडे जो है इसके अंदर जो है बिल्कुल अभी सही है। तो मैं सोच रहा हूँ यार या हम इन अंडों को जो है तोड़कर चेक कर लेते हैं, या इसके अलावा जो मैं सोच रहा हूँ भाई इनको जो हम किसी दूसरे मुर्गी के नीचे रखते हैं, तो ऐसा ना हो कि यार इनके अंदर जो बच्चे वगैरह दोस्तों बिल्कुल जिंदा हो, और जब वो बाहर आ जाए तो फिर हम थोड़ा सा ना वेट कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं इनको जो खुद अपने हाथों से दोस्तों इनको मैं तोड़ूंगा तो उससे काफी ज्यादा नुकसान होगा, तो शायद इसके अंदर जो है छोटे छोटे से दोस्तों बच्चे हों। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इनको जो है किसी दूसरी मुर्गी के नीचे रख देता हूँ, क्योंकि इस मुर्गी ने जो है ना वैसे भी दोस्तों बच्चे निकालने, और उनको मुझे ऐसे लग रहा है कि भाई ये दोबारा जो है नुकसान पहुंचा देगी। तो इस वजह से यार अब जो है ना दोस्तों यार मैं बिल्कुल भी भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये आप देखें, ये तीन, ये छह अंडे दोस्तों। तो हम भाई इन छह अंडों को लेके चलते हैं, ये बिल्कुल सही है, और अंडों में से जो है आवाजें भी बिल्कुल नहीं आ रही। मकसद इस तरीके से कि जो अंडे खराब होते हैं उनके अंदर से जो है पानी वगैरह की आवाज आती है, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल दोस्तों भरे हुए अंडे। तो दोस्तों हम इनको लेकर चलते हैं, और मैं जो इनको दूसरी वाली मुर्गियों के नीचे रख देता हूँ जो हमारी दूसरी वाली मुर्गियां अंडों पर बैठी।
दोस्तों मैं इसको ले आया हूँ भाई अपने साथ ऊपर, और आप यार इसको देखें यार, इसने जो है दोस्तों अपने अंडे यार खुद ही खा लिए। तो यार इतने जो है ना प्यारे प्यारे से दोस्तों इसके बच्चे निकले थे, आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये आप देखें यार, माशाल्लाह से जो है कलर भी जो है बिल्कुल मुर्गी से दोस्तों बिल्कुल मैचिंग का कलर निकला था। तो भाई इसने जो है ना अपने बच्चों को यार खुद ही खा लिया, और कुछ बच्चों की हालत तो दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से कि मैं आपको यार मैं दिखा नहीं सकता हूँ उनकी जो है ना कंडीशन, क्योंकि इसने जो है यार बेवकूफ ने अपने बच्चों को यार बिल्कुल खा लिया है। तो इनको जो है मैं माशाल्लाह से दाना वगैरह हर चीज जो अच्छे तरीके से देता हूँ, अभी भी जो इसका पोटा वगैरह बिल्कुल दोस्तों फुल पड़ा हुआ है। तो शायद मेरे ख्याल से पता नहीं इसने गुस्से में ये काम किया या किस वजह से किया है, और कुछ बच्चों को जो है इसने बिल्कुल दोस्तों बेदर्दी से दबा दिया। ये आप देखें यार इस क्रेट के अंदर। तो मुझे तो दोस्तों ऐसा ही लग रहा है कि भाई बस अब क्या मैं बोल सकता हूँ यार। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपने देखा कि भाई मैंने जो इसके कुछ अंडे जो बचे हुए थे तो वो यार मैंने जो ना अपनी ना दूसरे ना मुर्गियों के नीचे रखती है। तो यार आज का दिन जो है ना दोस्तों काफी ज्यादा, मैं अभी आपको बता यार थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने यहाँ से जो पिजन का बच्चा दोस्तों जो ट्रैप किया था, तो यार मैं काफी ज्यादा दोस्तों में खुश था। मैंने सोचा यार आज हमारी मुर्गी के जो है ना बच्चे वगैरह भी निकल गए होंगे, तो लेकिन बस इस तरीके से हुआ कि भाई इसने जो है यार ये काम कर दिया। तो अब जो है दोस्तों इसको मैं अपने किंग केज में छोड़ देता हूँ, और हम वेट करते हैं इंशाल्लाह। यार मैं आपसे दोस्तों हमेशा की तरह कहता हूँ कि भाई अगर अल्लाह ताला यार इंसान के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल डालता है तो यार उसके बाद जो है आसानियां भी बहुत ज्यादा करता है। चलिए दोस्तों इसको भाई छोड़ता हूँ भाई मैं किंग केज में। दोस्तों अभी मैंने छोड़ दिया यार अपनी मुर्गी को जो है किंग केज में। तो आज आपको यार मेरी आवाज से ही लग रहा होगा कि यार मुझे दोस्तों बहुत ज्यादा दोस्तों दुख हुआ है। तो आपको पता ही है यार जब बंदा इतनी मेहनत करता है और फिर थोड़ा सा इस तरीके से काम हो जाए तो काफी ज्यादा बंदे को दुख होता है। तो चले यार फिर भी भाई हमें अल्लाह से जो है ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह जो है मजीद बेहतर करेगा। हमारी दूसरी मुर्गियां भी बैठी हुई हैं, तो बहुत जल्द दोस्तों उनके भी बच्चे निकल जाएंगे। आज आपने देखा कि यार आज जो है हमें एक खुशी भी मिली कि भाई एक जो है पिजन का दोस्तों हमें जो है छोटा सा एक नन्ना सा प्यारा सा दोस्तों एक बच्चा भी मिल गया। और बाकी उसके अलावा दोस्तों हमारा थोड़ा सा काम ये ख़राब हुआ कि यार हमारी मुर्गी जो है अपने बच्चे दोस्तों खुद ही खा गई। तो चलें दोस्तों आज हमने जाना था यार मार्केट वगैरह भी, काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। तो अब जो है थोड़ी सी इनकी सेटिंग वगैरह करनी है इंशाल्लाह, तो क्योंकि यार अब इस मुर्गी को जो हमने दोबारा से जो है किंग केज में शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपको जो है यार मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल शरीफ आदमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ओके दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में यार आसानियाँ और मुश्किल आती रहती हैं, तो इंशाल्लाह दोस्तों अल्लाह जो है इससे बेहतर करेगा। तो ओके करता हूँ मैं अपनी वीडियो का दी एंड, मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। ओके अल्लाह हाफिज़।